अद्वैतम सापदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वंदितांस ओम ज्ञान दिव्यांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमते सममर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणी नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष अवधार्य माधुर्य गुणैस्सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्गवाय देवि दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंताय नमः गौरीश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबदे पादमुजायते नमः नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः दिव्यद वृंदारण्य कल्पतरुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्रीलभवृंददेव पृष्ठलिभिः सर्वमानस्मरा श्रीमान रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तु वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति ब्रज देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दावानाळ संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी दानी बंदी गुरु चरण कमाया नित जी का वास त्रिहरि कीर्तनी राही नमगन महामत मनी रोमांच संपासो आई गौरव प्रेमी
माधव नाम रूप गुरी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लोकचितिनी अनप्रतिष्ठिनी बद्रिते गुरु चरण कमल प्रज योग रचित भजनी ज्योति कर सकी धन्य वृंदावनी अति दक्षताई प्रियता मागणी बद्रिते गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गए श्री हरि स्वरूप भक्त जन हवे श्री अनुरूप इंद्रजी प्रभु प्रियतम रूप वंदिते गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जहर प्रसाद अन्न गति नाही त्रिसंग सिद्धिर तव धनि भाई वंदिते गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति रत्न करी ब्राह्मण मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन साक्षात श्री हरि सेवा पाई गई वस्तु
कृष्ण चैतन्य
Thank you.
मत नाही भेला राधा भजने Thank you.
हरे कृष्णा हरे पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश मृगकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाये तुलसी देव्यै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री
श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत कल श्रवण कर रहे थे, जब सती अभी जाना चाहता है पिताजी की यज्ञ में, लेकिन शंकर जी ने मना किया, बोले मेरे पास वो कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए बगैर निमंत्रण के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अपमान की संभावना है। पार्वती बोले देखो ऐसे कुछ स्थान होता है बगैर निमंत्रण के भी जा सकते हैं। बताओ कौन सा स्थान है? हाँ, इसलिए अपना पति के घर में और अपना प्रिय बंधु के घर में, अपना ससुर घर में और अपना पितृ घर में, कहते ये चार स्थान में। और अगर गुरु जी का स्थान हो, अगर ठाकुर जी का स्थान हो, वहाँ पर बगैर निमंत्रण के जा सकते हैं, वहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शंकर जी मना करने पर भी, लेकिन मन में इतने हैं इतने खुजली बच रहा था, मन में इतने उतावला हो रहा था, हाँ वहाँ जानी चाहिए, सारे बंधु बांधव आएंगे और वहाँ पर सारी बहनियाँ आई हुई होंगी, बड़े दिनों से बहनियों से मिला नहीं, बड़े दिनों से बहनियों से मिला नहीं हैं, और दामाद से मिला नहीं। वहाँ पर पिताजी सबको साड़ी देंगे, कपड़ा लता देंगे, हाँ वहाँ पर गहना देंगे पिताजी, इसलिए जानी चाहिए। उनके मन में उतावला 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 हो रहा था, हैं जब उतावला हो रहा था, इतने में शंकर जी मना करने पर भी सती को सहन नहीं हुआ। शंकर जी ने ये बताया, देखो अगर तुमने मेरे वाक्यों को उल्लंघन करते हुए अगर जाओगे ना, तुम्हारी मंगल नहीं होगा, हैं और क्या होगा? कहते अगर तुमको अपमान किए तो उसमें क्या होगा? कहते जो स्वजन अगर किसको अपमान करते वो मृत्यु के बराबर है। लेकिन बोलने पर भी माता सती ने बात पति की मानी नहीं, लेकिन या सती हैं कभी से थोड़ी दूर चलती है, थोड़ा आगे भी दे तो शंकर थोड़ी दूर चलते हैं। इतने में शंकर जी जब आँख खोल कर देखते हैं, फिर इतने में जब वापस चली जाती है, फिर शंकर जी आँख बंद कर देते हैं, फिर सती चलती है, फिर ऐसे करते करते सती को तो सहन नहीं हुआ, बोले तो मैं ही जा रही हूँ। हैं जब सती गई, शंकर जी को पता वो जा रही है, वो फिर वापस नहीं आएगी, क्यों? वहाँ पर मेरे को अपमान करने के लिए ही पिताजी ससुर यज्ञ कर रहे, वो वापस नहीं आएगी। इसलिए नंदी को बोले एक काम करो, जाओ सती को साथ में तुम लोग चले जाओ, उनका जो कंघी है, उनकी जो सिसा जो दर्पण है, उनकी जो श्रृंगार का वस्तु कपड़ा होता है, सबके सब लेकर के उसको साथ में जाओ, क्यों? उनको पता हो वहाँ से वापस नहीं आए। फिर यहाँ पर प्रश्न होता है, आप लोग कोई अपना पियर गई हो? पति के आदेश में गई ना, पति के बिना आदेश में गई हो? अगर पति मना करती है तो नहीं गई ना। जब नहीं गई, यहाँ पर ये जगदम्बा जगह जगह नहीं है, फिर उन्होंने ऐसे आदर्श फिर क्यों रखा? शंकर जी की आदेश के बगैर उन्होंने फिर क्यों गई? इसका क्या रहस्य? तो गुरु जी इसका रहस्य कहते हैं, बोले जिस समय रावण ने सीता को हरण करके ले गया, उसी समय में शंकर जी उसी समय में अगस्त ऋषि के पास में हरिकथा सुनने आए थे। जब उनका हरिकथा विश्राम हो गया, जब शंकर जी सती को साथ में जा रहे थे, इतने में भगवान राम हाँसते करके लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे, मेरे सीता को कहीं देखे हो? अभी उन्होंने कथा सुनी ना, कथा सुनने का फल क्या है? ठाकुर का दर्शन। लेकिन जब उन्होंने अगस्त ऋषि से कथा सुनते हुए जब आए, जब भगवान को दर्शन किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, बोले प्रभु आज तक हमारी कथा सुनना सार्थक कथा हो गया, क्यों? कथा सुनते ही आपका दर्शन। इसलिए कहते कथा, कथा मतलब क्या है? क मतलब होता है रस, था मतलब जो हमें रस में स्थापन कर देता है। इसलिए ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? कृष्ण स्वयं कहते ना, मद भक्ता जत्र गायतु तत्र तिष्ठा बिना रह, ठाकुर वहीं रहते हैं जहाँ उनकी कथा होती है।
कथा सुनने का फल क्या है? भगवत दर्शन, भगवत दर्शन है। इसलिए शंकर जी कथा सुने और सुन कर आते ही किस किस का दर्शन हो गया, जिनकी कथा सुन रहे थे ना उनका साक्षात दर्शन हो गया। ठाकुर जी को शंकर तो गदगद हो गए, आज मेरी कथा सुनना धन्य हो गया, क्योंकि कथा सुनने का फल में प्राप्त हो गया। लेकिन प्रभु को लीला देख करके ना शंकर जी बोले देखो ठाकुर को क्या प्यार लीला है, क्योंकि शक्ति शक्ति मतलब अभेद, भगवान और उनकी शक्ति कोई अलग नहीं, एक ही वस्तु। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी लीला कर रहे, लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, शंकर जी प्रणाम करते हुए इन्होंने दूर से उनको परिक्रमा कर रहे थे। प्रभु की लीला में कोई व्याघात नहीं। इतने में शक्ति की मन में शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? हमें जो परात्पर तत्व परम ब्रह्म भगवान श्री राम की जो हमें कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को तो पता है सीता को रावण उठा करके ले गया, अभी वो अशोक वाटिका में वो भी असली सीता नहीं, वो भी नकली सीता है, हैं वो भी नकली सीता है, ये तो मेरे को पता। अगर ये घटघटवासी परम परम परात्पर तत्व होते क्या उनको इतनी सी बात पता नहीं क्या? इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, सती बोली मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, लिखी पढ़ी हूँ मैं, लिखी पढ़ी मैं अनपढ़ होता ना तुम्हारी बात को समझ जाता, मैं लिखी पढ़ी मैं सुनने वाली नहीं हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अब सारा दुनिया को समझा दो लेकिन चार व्यक्ति को समझा नहीं सकते। बोले किसको? बोले पहला नंबर पत्नी, आपका बात सारा दुनिया सुनेगा लेकिन देखना पत्नी को सामने तुम्हारी कोई आदर नहीं। इसलिए पत्नी कहती है इनको तो समझाती रहती है, ये बात नहीं सुनते हैं, हर्ष में गलत करते हैं और गलती करते रहते हैं, हर्ष में ये गलती करते रहते हैं, इसलिए इनको मैं समझाती रहती हूँ ये मत करिए ये मत करिए। इसलिए देखना पत्नी को सामने पति की कोई आदर नहीं। दूसरा नंबर बोले पुत्री, अपना जो बेटी है अब सारा दुनिया को पढ़ा, अपना बेटी को नहीं पढ़ा सकता, बेटी की बात नहीं सुनती है। फिर पुत्र, अपना जो बेटा, और तीसरा नंबर जो परिवार, सारा दुनिया में तुम्हारी आदर होगा देना परिवार में तुम्हारी कोई आदर नहीं। चौथा नंबर पड़ोसी, सारा दुनिया में मित्रता लेना पड़ोस में झगड़ा है तुम्हारी, पड़ोस में तुम्हारी झगड़ा होती होगी। इसलिए फिर कहते पाड़ा, हिंदी में बंगला में पाड़ा, पाड़ा मतलब गांव में, सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो लेकिन तुम्हारे गांव में ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए सती को समझाने के लिए कोशिश की, बोले मैं तो मानूंगी नहीं, परीक्षा तो परीक्षा करके देख ले। फिर सती ने सीता का रूप धारण करते हुए गए, जो प्रभु राम को सामने आती है सीता रूप धारण करते हुए, वो सोच रही थी अगर इनको समझ में नहीं आएगा हैं, इसलिए ये तो हमें मेरे बालिका में करेंगे नहीं तो समझ जाएंगे। जब सीता रूप धारण करके आई शंकर जी, भगवान राम सोच रहे थे इनको अभाव कर, इनको अभाव, लेकिन वो बारम्बार घूम घाम करके आती है, जब जोर जबरदस्ती आ गई, इतने में बोले माता जी प्रभु तो उधर से चले गए, शंकर तो उधर चले गए, आप इधर कैसे आ गए? इतने में सती को बोले तो समझ गए, ये समझ गए शंकर जी उधर चले गए और मैं इधर चला आया, बस समझ गए। फिर उन्होंने फिर प्रणाम किया, प्रणाम करके जब खड़ी होती ना, फिर उन्होंने भगवान राम दिखाया, देखो सीता हमसे कोई अलग नहीं, सीता मेरे अंदर में ये शक्ति, और जो शक्ति मानो एक ही है, केवल लीला करने के लिए दो रूप हुए। फिर उनको दिखा दिया सिया राम मैं सब जग जानी, लता पता वृक्ष जिधर देखा उधर सीताराम सीताराम सीताराम, चार तरफ में सीताराम सीताराम, हैं वो समझ गई भगवान से सीता के अलग नहीं। फिर जब प्रणाम करके उठाना देखा फिर कुछ है नहीं, वही राम हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते बोल रहे। फिर सती तो डर गई, डरते हुए आई आ करके फिर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी बोले परीक्षा कर लिया? बोले प्रभु आप कभी झूठ थोड़ी बोल सकते हो, आप तो जो बोले सही बोले। देखो अगर हमसे कोई झूठ हो गया ना, अगर झूठ का आप बोल दिया ना, अब देखना वहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर झूठ को छुपाने के लिए चाहोगे आप देखना एक झूठ के बाद में दूसरे झूठ बोलोगे, दूसरे से तीसरे झूठ, तीसरे से चौथ, फिर झूठ झूठ बोलते जाओगे वो सच को दबाने के लिए। फिर सती ने क्या किया, वो भी सच नहीं बोल कर शंकर जी को झूठ बोल दिए। इतने में शंकर जी देखा सती ने कौन सा रूप धारण करते हुए परीक्षा किया, जब उन्हें ध्यान की ना देखा इन्होंने सीता का रूप धारण किया। सीता कौन है शंकर जी की? आराध्या माता है।
ये मेरी माँ के उद्धार की। इतने में शंकर जी मन मन में संकल्प किया, फिर सती को मैं कभी अपना पत्नी रूप में मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। जब उन्होंने इतना मन मन में स्मरण किया ना, इतने में देवताओं की पुष्प वृष्टि हुई। देवता लोग श्री भोले बाबा की जयकार लगाए, बोले श्री भोले बाबा की जय। जब जयकार लगाए इतने में शंकर जब चुप हो गए ना, इतने में सती ने पूछा, ये देवता लोग पर जय जी का कार्यक्रम लगाए, उन लोग को क्या हुआ? उन लोगों ने क्या समझे? क्यों? शंकर ही ऐसे के व्यक्ति है, स्त्री एक बार सती सीता का रूप धारण किया तो जिन्होंने जीवन भर के लिए पत्नी रूप में देखना छोड़ दिया, उनको अपना गुरु रूप में दर्शन किया। क्या बोलेंगे? शंकर ऐसे के व्यक्ति है जो ये काम को कर सकते, और ये काम को कोई नहीं कर सकते। इसलिए देवता लोग ने जयकार दिया शंकर जी को, बोले बाप कितने बड़े प्रतिज्ञान किए। इतने उसको बाद में हरे शंकर जी अपना पत्नी सती को बाम पार समय स्थान नहीं देते हैं, हर समय सामने आसन में उनको स्थान देते हैं। तब भी से सती बड़ी दुखी है। उसको बाद में फिर क्या हुआ? फिर शंकर जी फिर ध्यान में बैठ जाते, कितने युग तक शंकर जी को ध्यान लग जाते, क्योंकि सती तक उसको जो कथा सुनाया करते थे, अब कथा किसको सुनाएंगे, पत्नी का व्यवहार किसको करेंगे, अकेले हो गए। इसलिए शंकर जी प्रभु चिंतन में ध्यान में बैठ गए। अभी सती देख रही है शंकर जी, और इसी स्वरूप में मेरे साथ में पत्नी के संबंध नहीं रखेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, प्यार नहीं करेंगे, मेरे को भी गुरु रूप में देख रहे। इसलिए अंदर में ना वो अंदर अंदर में इतने दुखी सती, इतने दुखी सती, दुखी दुखी सती रहती है। अभी मैं सुजग ढूंढ रही थी कहीं सुजग मिले, फिर इस शरीर को त्याग दे करके जब मैं दूसरे रूप में फिर आऊंगी, फिर शंकर जी मेरे को पत्नी रूप में देखेंगे और सुंदर सुंदर मेरे कथा सुनाएंगे। इसलिए सुजग ढूंढ रही थी, बस यही पर उनको सुजग मिल गया। सुजग मिल गया तो सती गई। सती जब गई इतने में हैं, जब उल्लंघन करते हुए वहां उपस्थित हुई, वहां पर पिताजी की डर है, क्योंकि दक्ष प्रजापति शंकर जी को अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। इसलिए वहां पर जितने उनको लोग थे ना, कोई सती से बात नहीं करना। अगर आप अपना गए अपना पीहर, वहां पर सारे बहन सब भाई बंधु वहां पर आए, लेकिन आपको देख नफरत करे बता कैसे लगेगा, कोई बात नहीं करता। लेकिन वहां पर केवल दो व्यक्ति उनको केवल थोड़ी सी आदर दी, तभी हृदय खोल करके नहीं, एक माँ है और एक बहन है, लेकिन उतना भी आदर नहीं, हृदय से नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पिताजी इनको बड़े नाराज है, इसलिए उनको हृदय से कोई उनको प्यार नहीं दे रहा था। फिर वहां देखने के लिए गई, शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भागे भी नहीं, वहां पर देखा कोई यज्ञ भागे भी नहीं, शंकर के लिए सारे देवताओं के लिए यज्ञ भाग रखा हुआ, लेकिन शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं पति के लिए। इसको देखते ही सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, सबके सामने पिताजी को गाली देना शुरू कर दी। बल्कि जो सीम, ये जो दो अक्षर है, कहते इसको सुनते ही जीव का कल्याण होता है। क्यों? शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव, जोगी जोगी महायोगी शंकर जी, जिनके पवित्र नाम है, हर समय जो प्रभु की भजन करते हैं, लेकिन ऐसे मेरी पति को इतना अपमान, यहाँ पर उनके लिए कोई यज्ञ भाग नहीं है, इसलिए सभी देवताओं के लिए यज्ञ भाग यहाँ पर रखा हुआ है। इसको देख करके फिर यहाँ पर कह रहे हैं, देखो अगर कहीं पर गए, अगर कहीं संतों की निंदा हो रही है, कहीं वैष्णव का कहीं निंदा हो रही है, अगर कहीं निंदा हो रही ना, कभी भी वैष्णव का निंदा नहीं सुननी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं अगर कहीं वैष्णव निंदा हो रही है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है उसका जीवा तो काट दो, इतना बड़ा आदित्य है, तो जीवा को तुम काट दो, नहीं तो अपना शरीर को त्याग दो, नहीं तो सवस्त्र में जाकर गंगा में नहा करके आओ, नहीं तो वहां पर तुम उस स्थान को परित्याग करो, कान में अंगुल दे करके उस स्थान को तुम परित्याग कर दो। सब विधि विधान बताया गया है, हैं? इतने में शंकर जी की यहाँ पर अपमान है, इसलिए अपमान होने का नाते इतने में सती को तो बड़ा कष्ट हुआ। सती जब कष्ट हुआ, इसलिए कहते जो वैष्णव लोग हैं कहते सर्वसिद्धि के पास में, लेकिन सर्वसिद्धि रहते हुए भी लेकिन किसी सिद्धि को ग्रहण नहीं करते हैं, माँ वैष्णव योग्य सती वैष्णव विद्वेष पिता ग्रहण। इसलिए अभी
सती अभी सोच रही क्या नियम है, अगर कोई वैष्णव निंदा करता है उसको मार डालनी चाहिए। सती तो अभी पिताजी को मार नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा बेस्ट यही है, ये शरीर पर मेरे को नहीं रक्षा करनी चाहिए, ये शरीर मेरे को त्याग देनी चाहिए। देखते देखते उन्होंने वहीं पर बैठ गई और उन्होंने बैठ कर सती कह रही हैं, बोले दोसान परेशानी गुणेशु साधव गृहंती के चिद न भवा दृश्य दिज गुणास फलकुन बहुली कप ऋष्णव महतमस्ते सुवित भवा भवानघम। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ कुछ जगत में ऐसे लोग होते हैं किसकी दोष में कभी कभी कहते ना गुण देखते हैं, किसकी दोष में गुण देखते हैं, हैं? लेकिन आप कैसे हो अब गुण में दोष देख रहे हो, कहते यहाँ पर गुण में दोष देख रहे हो। इसलिए दो तरह का व्यक्ति होते हैं, हैं? कहते जो व्यक्ति जो गुण में जो दोष देखते हैं वो सबसे अधम व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति गुण में जो गुण देखते हैं कहते वो मध्यम, गुण में जो गुण किसका तरह गुण है वो गुण में जो गुण देखते हैं कहते वो मध्यम व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति गुण में भी दोष में भी जो गुण देखते हैं कहते उत्तम, दोष में भी जो गुण देखते हैं वो उत्तम है। लेकिन आप ऐसे हो शंकर जी की गुण में भी आप दोष देख रहे हो, वो कौन है कहते ये अधम है, ये अधम है, इसलिए कभी भी गुण में दोष नहीं देखनी चाहिए, ये बहुत गंदी बात है, हैं? बहुत गंदी बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव अपराध को बारे में कह रहे हैं, हैं? कहते कहते कृष्ण कभी भी वैष्णव का निंदा को सहन नहीं कर सकते, भगवान सब सहन कर सकते हैं लेकिन उनके भक्तों का अगर निंदा हो, ठाकुर स्वयं कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी अगर मेरे भक्तों के विरोध में जाएगा मैं अपना हाथ को काट डालूंगा, सब कुछ मैं सहन करूंगा लेकिन मेरे संतों का कभी निंदा में सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं जैस भाई वैष्णव निंदा मात्र है सर्वा धर्म था किले हो तबो है खे, अगर कहीं सभा हो रही है लेकिन वहां पर कहीं वैष्णव का निंदा हो रही है, कहते अगर वहां सारे धर्म रहने पर भी कहते वहां पर क्या होता है कहते सब कुछ वहां पर नष्ट हो जाता, क्यों वहां पर वैष्णव का वहां पर निंदा हो रही है। बोले है ना वैष्णव निंदा करे जय जन, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का अगर कोई निंदा करता है बोले सही पाए दुख जन्म जन्म जीव मरण, कहते जो वैष्णव का निंदा करते हैं कहते जन्म जन्मांतर क्या होता है उसको दुख कष्ट भोगना पड़ता है। विद्या कुल तप सब विफलता हार वैष्णव निंदे जे जे पाप दुराचार, कहते अगर किसको विद्या है अच्छे कुल में जन्म लिया हैं कहते वो सब कुछ तुम्हारी विफल हो जाएगा, कहते वैष्णव निंदे जे जे पाप दुराचार, अगर कोई वैष्णव को निंदा करता है उसका सर्व गुण उसका नष्ट हो जाता है। पूजा तहार कृष्ण ना करे ग्रह, हर कोई व्यक्ति वैष्णव निंदा करके पूजा करता है भगवान को कहते भगवान भी उसका पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। वैष्णव निंदा करे जे जे पापिष्ट जन, कहते जे पापिष्ट वैष्णव पक्ष हिंसा करे सुदर्शन अग्नि से पापी पूरी मरे, कहते जो व्यक्ति जे पापिष्ट वैष्णव पक्ष हिंसा करे, जो व्यक्ति वैष्णव का हिंसा करते हैं भगवान का जो सुदर्शन चक्र क्या करता है उसको जला करके खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी यहाँ पर कितनी बड़ी बात कहते हैं बोले सुला पानी यदि वैष्णव निंदे तारो है, कहते तथापि तो नाश हो जाए कहे शास्त्र वृंदे, सुलो पानी मतलब शंकर है, कहते अगर शंकर जी के जैसे बलवान हो ऐसे कोई प्रतापीवान हो अगर ऐसे व्यक्ति भी अगर कहीं वैष्णव का निंदा करता है शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति का भी नाश हो जाता है। कहते हंती निंदती वैदेष्टि वैष्णवानम जे अभिनिंदन्ति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतन निस्सक, बोले छह व्यक्तियों का पतन होता है, बोले छह व्यक्ति किसका किसका पतन, बोले हंती जो वैष्णव को मारते हैं अंतिम मतलब उनको जो हत्या करते हैं, निंदंती जो वैष्णव को निंदा करते हैं,
भंते वैद्वेष्टि जो वैष्णव को विद्वेष करते हैं, पहले वैष्णव नाम जो अभिनंदन्ति, वैष्णव को जो अभिनंदन नहीं करते हैं, बोले जाति न हर्ष, वैष्णव को देखकर जो प्रसन्न नहीं होते हैं, बोले ये छह व्यक्तियों का पतन होता है, छह व्यक्तियों का ये पतन होता है। इसलिए बोले निंदा कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनम पतन्ति पितृविसार्धम महारौरव संगीते। कहते व्यक्ति जितने बड़े क्यों नहीं हो, हैं, इसलिए कहते निंदा कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनम, महात्मा वैष्णव को जो निंदा करते हैं, कहते पतन्ति पितृविसार्धम, कहते उसका पितृ लोग भी नीचे गिरते हैं। अगर उनके जब पितृ लोग अगर ऊपर गए हुए वहां से उनको भी नीचे गिरना पड़ता है पितृलोक को, इसलिए यहाँ पर इतने खतरनाक महारौरव संगीते, उनको महारौरव नरक में उसको पाप भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण में बताया कहते जन्म प्रभृति जत किंचित सुकृतम समुज्जित नाश्यन्ति जाति तत् सर्वम पीड़ा एत यदि वैष्णव। अगर वैष्णव को कोई पीड़ा देता है, कष्ट देता है, उसको क्या होता है, जन सुकृति, अगर उसका कोई सुकृति होगा ना, वो सुकृति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ते पतन्ति महाघोरे कुंभी पाके भयानक, जो वैष्णव को निंदा करते हैं उनको महाघोर कुंभी पाक नर्क भोग करना पड़ता है। भक्ति तकी कृष्ण संग जादव चंद्र देवन, जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक उनको दुख कष्ट होना पड़ेगा। मतलब ये वैष्णव निंदा सबसे खतरनाक होता है। इसलिए दस तरह का अपराध में जो पहला जो अपराध ये वैष्णव निंदा सबसे खतरनाक है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भैया भैया भक्ति काम हो गई बात में, भक्ति काम हो गई बात में, लेकिन वैष्णव का निंदा मत करो, उनका चुगली मत किया करो, इधर उधर उनको बात मत किया करो, हैं, बोले नहीं करते हैं, बोले तुम्हारे ऊपर थोड़ी दायित्व दिया था कि नहीं गई, तुम्हारे ऊपर तुम भजन करो, अपना भक्ति चाहते रहे, तुम्हारे ऊपर दायित्व नहीं दिया गया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर थोड़ी बोल दिया, उसको देखो इसको देखो। इसलिए चाचा अपनी बच्चा, हिंदी में बंगला में कहते हैं चाचा अपनी बच्चा, खुद को बचाओ, हैं, दूसरों को बचाने के लिए कोशिश मत करो, खुद तो बचो दूसरों पर बचोगे, इसलिए दूसरों को देखने का कोई जरूरत नहीं। बंगला में कहा बताए, ये जो चालनी होता है ना जिसमें आटा चलाते हो गेहूं चलाते हो, वो चालनी वो सुई को कह रहा है, बोले सुई देख तुम्हारे पर पीछे एक छेद है, सुई कहता है खुद देख तेरे पीछे कितना छेद है, मेरे पीछे तो एक ही छेद है लेकिन तेरे पीछे कितना छेद, ये चीज को देखो, अपना छेद तो देख नहीं रहे हो कितना छेद है, और सुई को देखो तुम्हारे हाँ तुम्हारे पीछे एक छेद है, इसलिए पहला छेद। इसलिए गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं पर छिद्रान सन परिवर्ते निज गलत उंगली दूर करवा चेष्टा करे, दूसरा का दोष देखने से पहले अपना गलत को दूर करने के लिए कोशिश करो, दूसरों को दोष देखने का जरूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर वो दायित्व नहीं, जिसको ऊपर दायित्व वो देखेगा। इसलिए हर चीज में हमें टांग अड़ाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते साधु सावधान, देखो इसका परिणाम क्या हो रहा है, बड़ा भयानक उसका परिणाम यहाँ पर बता रहे। जब उन्होंने देखा इतने में ही मूर्त काल थाकते इच्छा करना है परम बहुत, यहाँ पर कह रहे हैं पके वैष्णव पके अनुगत धर्म थाकिया परम संगत खाते, यहाँ पर उदाहरण देते हैं अगर ऐसे कोई वैष्णव अपराधी हो, अगर ऐसे कोई वैष्णव अपराधी हो तो कहते पिता न सस्यात स जननी न सस्यात दैवम न तत् सारणम न पतिम सस्यात न मुचयत ज समपेत मृत्यु। ये ऋषभ तब अपना बच्चों को कहते हैं, कहते वो पिता पिता नहीं, वो जननी जननी नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो देवता देवता नहीं, हमें जो जिस मृत्यु में हम पड़े हुए संसार इससे जो हमें निकाल नहीं दे, हैं, इसलिए हैं, इसलिए ये वो है नहीं, इसलिए कहते ऐसे संग को हमें वर्जन करनी चाहिए। कहते वो पिता क्यों नहीं हो, कहते वो माता क्यों नहीं हो, अगर वो भक्ति की प्रतिकूल है, कहते जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैर समझते भी परमसन नहीं। ये कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी मीरा को कह रहे हैं, हैं, इसलिए भले ही तुम्हारे जितने प्रिय क्यों नहीं हो, अगर उनका प्रिय, अगर जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनका प्रिय राम सीता ने उनको अपना कर्ण शत्रु मान कर उनको त्याग देने चाहिए। सती ने उसी चीज को ही उन्होंने अपना जीवन में ग्रहण किया। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अगर तुमने ऐसे भोजन कुछ कर लिया जो
गद्धा चीज को कोई चीज को तुमने भोजन कर लिया है, कोई अखाद देखो जो तुमने भोजन कर लिया, अब क्या होगा, पेट में जाकर उल्टा उल्टा करना करेगा, फिर क्या करनी चाहिए, उसको उल्टी कर दो। अगर उसको उल्टी कर दोगे ना तुम्हारे पेट सही हो जाएगी, अगर उल्टी नहीं करोगे तो फिर तो पेट में बड़ी गड़बड़ करेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, सती सोच रहे हैं, हमने मेरे पिता रूप में इनको प्राप्त किया है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगा बोलेंगे ये किसका बेटी है, दक्ष का। दक्ष कौन है, जो शंकर जी को जो निंदा करने वाले, वैष्णव का जो निंदा करने वाले उनकी बेटी। इसलिए जब तक ये दुनिया रहेगा कब तब तक क्या बोलते रहेंगे हैं, तब तक बोलते रहेंगे दक्ष का। ऐसे जो वैष्णव अपराधी, जो शंकर जी जो सर्वगुण संपन्न, जो शिव जो मंगलमय, उनमें भी जो दोष देखने वाले ये कौन है, इनके इनकी बेटी है। इसलिए हम ऐसे पिताजी के साथ में कोई संबंध न रखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने बड़ी दुखी होकर के उन्होंने क्या किया, वहीं पर उन्होंने बैठ गए, पिताजी को गाली देते थे तो वहीं पर बैठ गए, बैठ करके अपना जो समाज द्वारा बैठ करके अपना जो सिख द्वारा उन्होंने अग्नि को प्रकट किया, और अग्नि को प्रकट करते हुए वहीं पर अपना शरीर को उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। जब वहीं पर शरीर को त्याग दिया है, उसको देखते ही शंकर जी के जितने सब थे भक्त लोग, शंकर जी के तो बिगड़ गए सब के सब, शंकर जी के भक्त, हमारी माता जी ने शरीर त्याग दिया और हमारे प्रभु जी को यहाँ अपमान है, हमारे प्रभु जी को यहाँ अपमान है, हम कैसे सहन कर सकते हैं हमारे प्रभु जी का अपमान। देखो यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं, अगर कहीं हमारे किसी वैष्णव का निंदा कर रहे हैं, कोई हमारे गुरु जी का कोई निंदा करता है, ये चीज़ को हमें सहन नहीं करनी चाहिए, सहन करना भी पाप है, हैं? अगर वहाँ पर वहाँ से चले जाओ, नहीं तो कान में अंगुल डाल दो, नहीं तो समर्थ हो जीवा को काट दो। जीवा काट दो मतलब क्या है, जीवा काटना क्या मतलब है, इसको शास्त्र शास्त्र युक्ति को द्वारा उसको परास्त कर दो। बोले नहीं, आप जो कह रहे हो ये गलत कह रहे हो, वैष्णव के बारे में जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, इसलिए शास्त्र युक्ति से उनको खंड विखंडित कर दो। हाँ, इसलिए सती ने वहीं पर जब शरीर को त्याग दे दिया, त्याग देते ही इतने में वहां पर जितने त्याग देते ही वहां पर क्या हुआ, जब त्याग दिया जितने शंकर जी के भक्त बिगड़ गए, अब बिगड़ करके मारपीट करना शुरू कर दिए। जब मारपीट करके शुरू कर दिए इतने में, हाँ, कहते उस समय में जो यज्ञ हो रही थी, यज्ञ से कुछ रिभु हैं, वो रिभु प्रकट हुए, प्रकट होकर के शंकर जी के जितने सब थे ना, शंकर जी के जो परिकर थे, मार मार करके शंकर जी की परिकर वहां से भगा दी, खदेड़ दिए वहां से, शंकर जी के जितने भक्त थे वो यज्ञ से रिभु प्रकट हुए और सब मार मार कर भगा दिए उनके, शंकर जी के जितने भक्त लोग थे उनसे ताकतवर थे। हाँ, इतने में नारद जी तो ये सब चीज को नारद देख रहे थे, नारद लड़ाई लड़ा रहे हैं, नारद लड़ाई नहीं वो लीला को पुष्टि करने वाले, उन्होंने जब देखा शंकर जी, नारद भी वैष्णव, कहते द्वादश महाजन है ना, स्वयंभू नारद शंभू, शंभु मतलब शिव, नारद मतलब नारद, बारह महाजन है, बारह भगवान की परम भक्त है। जब देखा एक वैष्णव को, इतने बड़े शंकर जी संत है, उनकी यहाँ पर अपमान हुई और उनको भगा दिया गया, नारद तो गए जाकर के शंकर जी को सारी बात बता दी, बोले जानते हो क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसी घटना हो गई। हे शंकर जी सुनते ही, शंकर जी क्या किया, उन्होंने एक जटा को उखाड़ दिया, उखाड़ करके वहां पर पटक दिया, और पटकते ही वहां पर वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र प्रकट होने पर इतने में शंकर जी के अंश से ये वीरभद्र प्रकट हुआ, प्रकट होकर के बोले जाओ जा करके यज्ञ दक्ष का जितना यज्ञ है इसको तसनस कर दो। सबके सब नाचते कूदते हुए वहां पर पहुंचे, पहुंच करके वहां पर जितने बड़े बड़े व्यक्ति सब यज्ञ कर रहे थे ना, कहते वहां पर मणिमान जो भृगु है, जो भृगु ने रिभु को प्रकट किया था है, कहते भृगु को पकड़ लिया मणिमान ने, और जो वीरभद्र दक्ष प्रजापति को उन्होंने पकड़ लिया, और चंडेश कहते सूर्य देवता, कितने बड़े सूर्य देवता पकड़ लिया सूर्य देवता को, और नंदी ने शंकर जी का जो बाहर नंदी वहां भगदत्त को उन्होंने पकड़ लिया और उनको पकड़ करके बांध दिया अच्छे तरह से, और बांध करके दक्ष निंदा समय में है, जिस समय दक्ष का जिस समय शंकर जी की निंदा हो रही थी, जब दक्ष शंकर जी की निंदा कर रहे थे उस समय भृगु ऋषि क्या कर रहे थे, देखो क्या हो रहा है, ऐसे तैसे
हैं शंकर जी की ऐसे तैसे हो रही है, वो अपना मोच और अपना दाढ़ी हिला रहे थे। बोले शंकर जी की निंदा का समय तो दाढ़ी हिला रहा था, हाँ अपना मोच हिला रहा था, जिंदा जिंदा उसको दाढ़ी पकड़ करके ना, अगर किसका दाढ़ी पकड़ करके उखाड़ दो कितना कष्ट होगा, वो जिंदे जिंदे उसका मोच और दाढ़ी को पकड़ करके एकदम उखाड़ दिया। और जो भगदत्त वहाँ पर वो एक ऋषि था, वो क्या कर रहा था, ऐसे कर रहा था, आँख कर रहे थे, हाँ शंकर जी की देखो ऐसे तैसे हो रही है, बोले तुम्हारी आँख रहने का लायक नहीं, उसको जिंदा जिंदा उसका आँख निकाल दिए। हैं इसका देव पुस्सा देव ऐसे हंस रहे थे, बोले आकर हंस रहे थे, शंकर जी की ऐसे तैसे हो रही है, हंस रहे थे, दांत नहीं रहनी चाहिए उसको, जिंदा जिंदा ना दांत को मार करके उसको दांत को वहां पर दांत को उन्होंने उखाड़ दिया। और जो वीरभद्र था हैं शंकर जी जटाश तो वीरभद्र, उसने क्या किया, दक्ष को मारने के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्र को प्रयोग किया, उसको मारने के लिए गला काटने के लिए, जो कटा नहीं ना कर, जानवर को जो अस्त्र से काटते हैं ना वो उठाया, जानवर का जो काट अस्त्र में काटते हैं, अब मारे उसको गला में, और गला शरीर से धड़ को हैं सर को शरीर से अलग कर लिया, अलग करके और अवशेष में वहाँ पर विनाश करने का बाद वहाँ पर और जितने देवता लोग थे, किसका हाथ तोड़े, किसका पाम तोड़े, किसका ऐसे पिटाई किया, किसको इतने पिटाई उनको किया, सबके सब भगदड़ मच गई, प्राण लेकर के सबके सब भाग गए। लेकिन ब्रह्मा वहाँ पर नहीं आए, बोले क्यों, ब्रह्मा जी कौन है, हमारे आदि गुरु हैं, ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, स्वयं भू नारद शंभु, स्वयं मतलब स्वयं जब प्रकट हुई, एक महाजन है संत है, उनको पता है ये जो यज्ञ है ये संत, ये एक संत की शंकर जी की अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए भैया वहाँ नहीं जानी चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी समझ गए थे, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं आए थे कि संत को तो अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हो, सी विहीन यज्ञ है, इसलिए एक बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा यहाँ पर दे रहे, कभी वहाँ पर नहीं जानी चाहिए जहाँ पर संतों की अनादर हो। देखो ये भृगु कितने बड़े दक्ष, क्या दक्ष प्रजापति, इतने बड़े पद में जिसको नियुक्त किया और इतने बड़े बड़े ऋषि बने थे, क्या हुआ, आँख निकाल दिए, दांत तोड़ दिए, दाढ़ी निकाल दिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, जितने बड़े तुम क्यों नहीं हो, अगर कभी संतों का अपमान करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, कभी तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान, फिर कहीं का रहा अवधान, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बता राज विश्वास नहीं हो जाए, इनका कम पुण्य है, ये चार व्यक्ति ने इनको विश्वास नहीं होता, नाम ब्रह्मणे में वैष्णव में है महाप्रसाद गोविंद भगवान पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए पूरा वहाँ पर एकदम तस नस कर दिए सबके सब हैं, और वहाँ पर सबके सब है चरण, इसलिए फिर लास्ट में जब ऐसे सब ध्वंस विध्वस्त हो गया, सबके सब ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को सारी बात बताया, ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने सब वैष्णव अपराध किया है, ऐसे शंकर जो सत्यम शिवम सुंदरम इतने बड़े संतों को तुम लोगों ने अपमान किया, तुम लोगों ने गलती किया है, भूल तुम लोगों का, इसलिए जाओ शंकर जी के चरण में गिरो, शंकर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु शंकर जी, इसलिए भोले बाबा कहते हैं ना शंकर जी को, भोले जाओ शंकर जी के चरण में अपराध में माफ़ी मांगो शंकर जी, हैं माफ़ी मांग करके फिर सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए तब उन्होंने सबके सब श्री शंकर जी के पास में गए, और शंकर जी के पास में जा कर के इन्होंने शंकर जी के चरणों में पढ़ करके शंकर जी को बड़े सुंदर सुंदर शंकर जी की स्तुति करते हैं, और शंकर जी तो भोला बाबा है, बात शंकर जी खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर शंकर जी का जो धाम है यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं, शंकर जी जिस कैलाश में रहते हैं वहाँ का परिवेश क्या है, कितने सुंदर परिवेश शंकर जी जहाँ रहते हैं, इसको हम कल सुनेंगे, और शंकर जी कैसे सबको ऊपर में कृपा की, फिर यज्ञों को कैसे पूरी की, फिर कैसे दक्ष प्रजापति कैसे माफ़ी मांगे, हैं माफ़ी मांगे, और ये सब कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री भोले बाबा की, बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
आज जो है ना